वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जो कि आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून कार्यक्रम आज। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे, 2 बजे लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन के नवनिर्मित भवन का करेंगे लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि शाम 4 बजे शासकीय कार्य करेंगे सीएम धामी। तो इसी के साथ ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून कार्यक्रम आज रहने वाला है। 11 बजे आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में वो शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज 2 बजे लोकार्पण कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात करें सीएम पुष्कर सिंह धामी का, आज देहरादून में विभिन्न कार्यक्रम रहने वाले, एक बार उनके कार्यक्रमों को लेकर पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सबसे अहम जो कार्यक्रम है आज, वो देहरादून में जो है कैबिनेट की बैठक का होना है, और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में 11 बजे बैठक होगी। तो इस बैठक में राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और दिवाली बोनस की सौगात मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि स्वामित्व योजना में महिलाओं को सहस्वामी बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों के जो स्थायी शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव है, वहां पर जो है स्थायी शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव वहां पर आ सकता है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेवा नियमावली में संशोधन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो नंदा देवी गौरा देवी योजना है उसका लाभ देने का जो है प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा तमाम, क्योंकि जाहिर तौर पर अब दिवाली आ रही है, तो उस पर जो कर्मचारी हैं उनको दिवाली का तोहफा बोनस के तौर पर दिया जा सकता है कैबिनेट में। जी चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।